ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक रिपेलेंट का लेक्चर नंबर 30। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला था और फोर्स भी निकाला था, मोमेंट निकाला था। फील्ड तो हम लोग पहले निकालना सीख लिए थे, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकेंड पार्ट की बात हो रही थी। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये जो आपका सेमी सर्कुलर जो लूप है इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो पॉइंट O जो कि सेंटर है इसका, इस लूप का सेंटर है, उस पर आपको निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और क्या निकालना है बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लोग ने पहला सॉल्व कर लिया था, दूसरा निकाल रहे थे। ठीक, अच्छा एक चीज तो अच्छे से याद कर लो कि इस केस में यहाँ पर जब नेट की बात होती है तो एक चीज मैंने लिखवाई थी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन वहां पर सिंगुलर सर्कुलर कॉइल होता था, जब मल्टीपल हो जाएंगे तो सब अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। इसीलिए देखो उनके हिसाब से उस पर्टिकुलर जो आपका लूप है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल होगी मैग्नेटिक मोमेंट के। एक बार रिवीजन करा देते हैं, छोटा सा रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हमने अच्छे सीखा था, क्योंकि सर ये जो ओ पॉइंट है वो वायर की एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रेट वाला पोर्शन है एस आर एंड क्यूपी, इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर नहीं होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी नहीं होगा। ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई थी। तो मैंने कहा था कि उसके बाद अपन फिगर में क्या करेंगे, जो आपके सेमी सर्कुलर पार्ट है उनको अलग कर लेंगे, बिकॉज इनकी वजह से ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर रीड्रॉ किया था इस डायग्राम को इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो आपका स्टेट वाला जो पार्ट था उसको रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे मुझे पहले से पता है कि सारे कनेक्टेड हैं तो करंट तो फ्लो करेगा। ठीक, तो जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सिंपल तरीका था, क्या करेंगे भाई, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, आउटवर्ड। तो अगर मैं कहूं ड्यू टू लूप वन, अगर ये लूप वन है तो इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या आउटवर्ड होगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू लूप वन वो भी आउटवर्ड होगा। अब हम बात करते हैं ऊपर, क्योंकि अब ये लूप कनेक्टेड थे तो करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो गया, तो रिवर्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप टू, इसको बोला था मैंने यहाँ पर लूप टू बोला था। ठीक, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी अंदर। फिर मैंने सिखाया था कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगी उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, और दोनों अपोजिट हैं और एक ही पॉइंट पर हैं, इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन तो होना ही है, तो वो B1-B2 होगा या B2-B1 होगा, वो डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। उसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन था, क्या बताया था, अरे भाई हम लोग ने एक सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना सीख ही लिया था, तो उसमें रेडियस होता था उस फॉर्मूले में और डिनोमिनेटर में होता था, तो मैंने कहा था यार जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगी, बिकॉज दोनों में करंट सेम है ना, यही तो बताया था तरीका मैंने। तो यह फॉर्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, देखो इसको मैंने सॉल्व करके ऊपर लिखा हुआ है, तो आपके नोट्स में क्या लिखवाया था मैंने, B at center due to circular loop क्या होता है, mu not I upon 2R, where R is the radius of the loop और I current है और mu not upon 2 constant है, इसका तो कुछ होना नहीं है। अच्छा ध्यान से देखा गया, तो इसका मतलब क्लियरली है कि जो डोमिनेट करेगा उसका रेडियस छोटा होना चाहिए, बिकॉज दोनों में करेंट सेम, म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट, टू भी कॉन्स्टेंट, मतलब अगर आर वन छोटा है तो इसका मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। वेरी गुड, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो होगा वो B1-B2 लिखा जाएगा, तो B1 की वैल्यू ज्यादा है और रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसी की तरफ रिजल्टेंट हो जाएगा, तो यहां से बना रिजल्टेंट आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, तो मैंने ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया और बगल में देखो क्या लिखा है, डॉट लगाया है, तो मैंने बहुत ध्यान से मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो मैंने डायरेक्शन को हर जगह मेंशन किया हुआ है, जिससे कि पता चलता है कि एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक, इसके बाद अपन ने क्या सॉल्व किया था, जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड क्या था, एल इंटू आई इंटू ए, वेयर ए क्या था, एरिया वेक्टर था। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, तो इसमें भी अपन वही यूज करेंगे। तो यहाँ क्या किया मैंने, ध्यान से देखो यहाँ पर एन की वैल्यू कितने टर्म है, ध्यान से देखो एक ही सिंगल है ना, तो वन हो गया एन की वैल्यू, आई हमें पता है आई के फॉर्म में लेना है, फिर यहाँ पर एरिया निकालेंगे, तो बेटा ये बताओ दो सेमी सर्कल है दोनों का मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं, डायरेक्शन मैं सिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और अगर सेमी करना है तो हाफ कर दो, सर्कल का हाफ हो गया, तो अपन यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर अपॉन टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर अपॉन टू,
अभी मैंने सिर्फ इसको वेक्टर फॉर्म में एडिशन के लिख दिया। अब मैं जैसे डायरेक्शन का यूज करूंगा तो एक आपका क्रॉस आएगा, एक ये पहले ही निकाल लिया था। कैसे निकाला था? मैंने सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, और फिर एक और चीज लिखवाई थी वही डायरेक्शन होती है एरिया। ये मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है ना, तो इसका मतलब अपने को पहले से पता है कि एक बाहर और एक अंदर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस और डॉट लगाया। क्रॉस क्यों? ये कौन सा एरिया है? बड़ा वाला एरिया है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर थी? अंदर, तो उसका एरिया वेक्टर भी अंदर, ठीक है। अब यहाँ जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को पता है आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, तो यहाँ आर टू माइनस आर वन लिखेंगे कि आर वन माइनस आर टू लिखेंगे? आर टू, ठीक है, आर टू बड़ा है बेटा, ठीक। तो ये आ गया, तो ये देख इसका मैंने क्या बोला था, इसका रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? क्रॉस। और इसी कंफ्लिक्ट के कारण मैंने सिखाया था कि इसीलिए मैंने आज स्टार्टिंग बताया कि इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट तो वही लॉ फॉलो कर रहा है जो मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन रिजल्टेंट में क्योंकि वो वैल्यू पे डिपेंड करने लगता है, इसलिए जिसकी वैल्यू ज्यादा उसके हिसाब से डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है कंसेप्ट, क्योंकि कुछ बच्चे तुरंत यहाँ पर कंफ्यूज जाएंगे कि यार यहाँ सर ने लिखवाया था कि बी इज ऑलवेज पैरेलल टू द एम, ये लिखवाया ना मैंने, और अगर वो रट के बैठे हुए हो और समझा रही तो यहाँ पर वो चीज लाई नहीं कर रही है, क्योंकि बी कहाँ है? देखो रिजल्टेंट फील्ड कहाँ आ रही है? आउटवर्ड डॉट बनाए और मैग्नेटिक मोमेंट क्या रिजल्टेंट? इनवर्ड, ठीक है, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया। अब देखो ये वाला दूसरा लूप बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सेंटर ओ, ठीक बेटा। अब करंट का डायरेक्शन उसमें यही लिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, सही बना, ठीक। अब बस ध्यान देना फिर से वही बात, क्योंकि जो आपका इसमें नामकरण कर ही देते हैं भाई, क्या क्या नाम है भाई इसका? पी क्यू आर एस, बस ना, ठीक। तो क्योंकि पी क्यू और आर एस देखो उसका जो वायर है उसकी एक्सिस कहाँ है बेटा? ओ वाली लाइन में है ना, ठीक। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्यों प्रियांश आ रहा है बेटा? अरे यार तुम तो पुराना पढ़े ही नहीं है, क्लास मिस कर गए थे ना तुम तो, पीछे की वीडियोस देखोगे उसकी? देख लेना उसको, नहीं तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर भी तुम्हारे लिए बता देते हैं, एक ओवरस्टेट का एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में पढ़ा था, 10th वाले लॉन्ड से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें अपन क्या सीखते हैं, एक वायर से करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा उसके चारों तरफ, कैसे पता चला था? हम लोग ने एक पेपर लिया था, उस पेपर के अंदर से ऐसे निकाला था वायर, उसके ऊपर आयरन कोर को ऐसे हमने बिछा दिया था, जब करंट फ्लो करता है तो एक सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल बन जाता है, तो इससे पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक तो परपेंडिकुलर है, ऊपर से एक सर्कुलर फॉर्म में वो आगे की तरफ प्रोपेगेट होती है। तो सुनो ध्यान से, तो वायर के पास कुछ ऐसा आयरन इकट्ठा हुआ था? नहीं, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ठीक है। तो वायर से डिस्टेंस बढ़ेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट द वायर विल बी जीरो, ठीक है। अच्छा ये जीरो, तो इसका मतलब क्लियरली है कि अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है तो वो कभी ऊपर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये इस वायर के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन प्रोपेगेट करेगा और वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, लेकिन कभी यहाँ पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता। तो इसकी वजह से कोई इफेक्ट होगा ऊपर? नहीं होगा ना, तो वी कैन इजीली रिमूव इट, आसानी से हटा सकते हैं। अब जब सर्कुलर होता है, सर्कुलर के पता है तुम्हें सर्कुलर वायर से क्या होता है? तो बस वही सर्कुलर वायर कांसेप्ट यहां यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां कैसे सिखाया था, करंट का डायरेक्शन जो होता है वहां एक टेंजेंट बना लो किसी एक पॉइंट पे, देन ये स्ट्रेट वायर तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर अपन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये क्या है कर्ल, क्या है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लियरली दिखेगा तुम्हें एक जो सर्कल बन रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो बड़ा सर्कल बनेगा वो पॉइंट पर क्या होगा, अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ये वाला जो आर क्यू वाला आर्क है, यहाँ एक नाम दे दो ना यार इसको, एन लिख दो ना, आर क्यू एन जो आर्क है इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा क्रॉस। तो यहाँ लिख दूंगा मैं बी आर क्यू एन, क्या जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से अपन अगर ऊपर वाले के लिए देखेंगे तो फिर से एक टेंजेंट बनेगा, ठीक। अब टेंजेंट बनेगा तो ये पॉइंट क्या है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है मेरे लिए। तो मैंने ऐसे थंब रखा और इस तरीके से देखा ध्यान से, तो इसकी रिंग भी ऐसी आ रही अंदर की तरफ, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एम लिख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एस एम पी क्या हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है बेटा। यहाँ ये पाया हमने पिछले वाले केस में क्या होता, अपोजिट था, इसमें क्या है सेम डायरेक्शन में, ये तो ऐड हो जाएंगे है ना। तो बी नेट क्या आएगा, बी नेट एट ओ विल बी इक्वल टू व्हाट, बी आर क्यू एन प्लस बी
एस एम पी और इनकी डायरेक्शन अगर आप अपने इसको वेक्टर फॉर्म में दूसरे तरीके से चल के आएगा बी वेक्टर बी ओ इज इक्वल टू क्या जाएगा बी आर क्यू एम ये मैग्नीट्यूड कर दिया बी एस एम पी मैग्नीट्यूड कर दिया और बाहर क्या लिख दिया इससे मेरा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग हो गया और सॉल्व करना आसान हो गया। फिर से फॉर्मूला तो बहुत पहले बता दिया था क्या था म्यू नॉट अपॉन टू आर था तो सर्कल के लिए था और सेमी के लिए क्या हो जाएगा उसी का हाफ दैट इज फोर आर हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला लिख लो ठीक है बी एट सेंटर फॉर सेमी सर्कुलर लूप सेमी सर्कुलर जिसको याद नहीं उसके लिए लिखवा रहा हूं क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर ठीक है ध्यान से अच्छा देखना अगर इसने किसने बोल दिया कि नहीं मेरे मेरे सेमी सर्कुलर लूप में एक से ज्यादा टर्न है मतलब आधा आधा मतलब एक पूरा रिंग था जिसमें एन नंबर टर्न्स थे उसको आधा काट दिया तो जो बचेगा उसमें भी तो एन टर्न्स होंगे ना सेमी वाले में होगा कि नहीं होगा तो यहाँ एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ठीक है तो ये होता है तो इसको मैंने एक सिंगल लूप के लिए यानी देता हूँ एन की वैल्यू क्या है यहाँ एन लगा देता हूँ फिर कहता हूँ एन की वैल्यू कितनी है ठीक है फॉर दिस केस ठीक है बेटा अब यही फॉर्मूला यूज करना है बस रेडियस बदल लेना तुम यहाँ पे क्या बदलोगे आर की वैल्यू यहाँ पर देखो ये आर वन दिया है और ये आर टू ठीक है करके मुझे आंसर बताओ दोनों में करंट सेम है इतना कहां से कॉम्प्लीट कर दिया भाई तुमने वन अपॉन आर वन और प्लस वन हाँ ठीक है समझ गए तुम कोई चीज सिंपल कहा नहीं दे सकती हो यही तो आपका सबसे बड़ा टैलेंट है ये भी ठीक है गलत नहीं बोला तुमने तुमने बस एलसीएम ले लिया ठीक है देखो वो रिजल्टेंट बगल लिखा हुआ है ठीक है ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालो वो मैं निकालूंगा इस बार तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैं थोड़ी हेल्प कर दूं बाकी लोग की फिर तुम्हारी सुन लेंगे बस डायरेक्शन में हेल्प करूंगा ठीक है तो मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होता है पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी आपके इसमें लूप्स होंगे उस लूप के लिए अलग अलग आप करके निकाल दो तो पहला लूप क्या था ये आर एन क्यू तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या थी अंदर तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी अंदर तो इसको L1 लिख देते हैं इसके कारण क्या है इसको लिख देते हैं M1 M1 क्या है मैग्नेटिक मोमेंट 1 ड्यू टू लूप 1 उसकी डायरेक्शन क्या होगी क्रॉस ठीक है चलिए अब यहां पर ये क्या है दिस इज लूप 2 ये क्या है लूप 2 इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहां है हर्षित अंदर है कि बाहर है अंदर होगी तो अंदर होगी बेटा तो M2 क्या वहां होगा M2 भी अंदर होगा है ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया रिजल्ट कैसे निकालते हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो M1 plus M2 कर दो तो कैसे करोगे यहाँ पर M net at O will be equal to what ऐड करना है सर है ना M1 plus M2 करना है yes, लेकिन वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन ये तो बताओ वो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर तुम्हारे लिए ठीक है और एरिया वेक्टर हमेशा पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एक और बनता है मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी पैरेलल होगा एरिया वेक्टर के तो लूप वन का एरिया क्या हो जाएगा भाई पाई आर वन स्क्वायर बाई टू क्लियर है ना और आई दोनों में सेम है तो यहाँ लिखेंगे एम वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी एन की वैल्यू तो वन पहले से ले ली ना मैंने भाई एक आई इंटू पाई R1 square upon 2 और डायरेक्शन लिखूंगा साथ में क्या लिखूंगा क्रॉस प्लस अगेन I पाई R2 square upon 2 और यहां पे भी लिखूंगा क्रॉस आप दोनों को ऐड कर दीजिए और बाद में क्या कर देंगे क्रॉस लगा देंगे तो यहां पर I और पाई दोनों में कॉमन है निकाल लो बाहर by 2 भी कॉमन हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा हाँ बेटा बोलिए पाई आई पाई टू और ब्रैकेट में आएगा आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर क्रॉस और ये इसका आंसर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ठीक है लिख लीजिए बहुत लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे बस दो लेक्चर चलिए आगे बढ़ते हैं अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक तो यहाँ पर अब पढ़ने जा रहे हैं अपन टॉर्क अच्छा ये अपन पहली बार नहीं पढ़ रहे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था ना अच्छे से उसमें अपन ये क्या पढ़ते थे वहां पर
याद कराते तुम लोग, क्यों करवा रहा हूँ याद, क्योंकि भाई तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूले बहुत ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम मैग्नेटिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों फॉर्मूले मैच करते हैं। सिर्फ कुछ आप छोटे मोटे टर्म, मतलब जो वहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है वहाँ पे के लेके चलते हैं, परमिटिविटी की बात करते हैं, यहाँ परमिएबिलिटी की बात करते हैं, मतलब बस एक छोटा सा चेंज करेंगे दोनों फॉर्मूले बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक, इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसकी अच्छी होती है उसको इसमें दिक्कत नहीं आती। ये हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर डायपोल में, डायपोल क्या करते थे, एक पॉजिटिव चार्ज लेते थे और एक नेगेटिव चार्ज लेते थे, है ना, उनके बीच के डिस्टेंस आर होती थी, उसके बीच में जो डिस्टेंस होती थी ट्वाइस का मल्टीपल होगा भैया, टू का मल्टीपल होगा, जरूरी है ये टू का मल्टीपल। ठीक है, फिर अपन क्या कहते थे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा क्या, एक यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और एक और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू इंटू ई के बराबर, और यहाँ पर एक रिपल्सिव लगेगा, ये जाएगा क्यू इंटू ई के बराबर, जिससे कि एक कपल फोर्स जनरेट होगा। और नाइन्थ टेंथ में पढ़ा था टॉर्क के बारे में कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगेगा। सर्कुलर मोशन जब होता है तो टॉर्क की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि आपका एक एंड अगर आपने फिक्स किया तभी सर्कुलर मोशन होता है। कभी नोटिस नहीं किया तुमने कि एक रॉड को भी अगर एक तरफ दबाओगे तो वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ठीक है, उसको एक तरफ से फिक्स करना पड़ेगा तभी वो, जैसे ये देखो मेरी उंगली क्या काम कर रही, इसको फिक्स कर रही है तभी, और ये जो मेरा फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, डायरेक्शन ऑफ मोशन के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यही होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहले पढ़ा था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये परपेंडिकुलर वाला खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दर्शाता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, तो यहाँ पर इस टॉर्क के कारण क्या होगा, ये एक टर्निंग एक्शन दिखाएगा यहाँ पर, है ना, तो ये आपका इसका अलाइनमेंट चेंज होगा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अलाइनमेंट चेक करना है, सबसे तरीका होता है थीटा, मतलब एंगल देख लो, ठीक है, क्या करोगे एंगल, तो यहाँ एंगल कितना है, मान लो थीटा, तो चेंज होगा, थीटा चेंज हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है 90 बना देगा, और क्या हो सकता है सर 180 बना देगा, और क्या होगा, है ना, समझ में आ रहा है ना कहने का मतलब। तो अब इसी प्रकार से मैंने आपको बहुत सिखाया था कि जो ये पोल होते हैं वो चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से पढ़ के आ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए ये फॉर्मूला मैच करेगा आगे चल के। वहां पर अगर देखो फॉर्मूला जो बनाया था डायपोल मोमेंट का, वो क्या बनाया था याद है किसी को, पी इज इक्वल टू क्या बोलते थे, क्यू इंटू ट्वेल्व, अरे सही बोल रहे हो तो बाकी लोग भी तो बोले, ठीक है, तो बात यहां पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पोल स्ट्रेंथ से चार्ज को रिप्लेस कर दिया। अरे पिछली क्लास में जब पढ़ाया था तो क्या किया था, वही फॉर्मूला लेकिन अलग तरीके से बोला, मैग्नेटिक मोमेंट बोला और कैपिटल एम लिखा और चार्ज की जगह मैंने स्मॉल एम लिख दिया, और पोल दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस थी स्मॉल एल, तो मैंने स्मॉल एम इंटू एल लिखा था। तुमने अगर अच्छे से पढ़ा होता तुम्हें याद ही नहीं करना, तुम दिमाग में इतना याद करोगे यार बस इतना करना है, आपका वहां पर जो स्मॉल पी था उसको कैपिटल एम लिख देंगे और जो चार्ज था उसको पोल स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करने लगेंगे और जो दूरी है वो तो दूरी है, समझ गए, तो इतना आपको इतनी बार याद करोगे तो कैसे परफॉर्मेंस होगी भाई, याद नहीं करना है आपको, समझना है, ठीक है, आप देखना सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ ऐसे पोर्शन है जो डायरेक्टली यहाँ रिलेट होते हैं। ठीक, तो देखो पहले क्या किया आपने, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट क्या होता है, एक से नॉर्थ होता है एक साउथ। ठीक, अब मैंने कहा इधर से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, तो आउटवर्ड फील्ड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्थ पोल को, किसको, नॉर्थ को, जैसे पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड फील्ड को इमिट करता है वैसे ही नॉर्थ पोल हमेशा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, सेम नहीं है, एक जैसे है, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, तो यानी कि जैसी प्रॉपर्टी कुछ प्लस की होगी वैसा ही कुछ नॉर्थ की भी होगी, इसीलिए देखो जहां प्लस की लिखा था वहां क्या लिखा हुआ है एल, और जहां माइनस की था वहां क्या आ गया एस, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है इधर क्या रहा होगा एन रहा होगा, जिससे कि आउटवर्ड और बहुत दूर रखा हुआ है। अच्छा एक और चीज सीख लो, क्या होता है ना, आप लोग ऐसे पढ़ के बैठे हुए हो कि सर ये नॉर्थ है ये साउथ है, हमेशा ये होगा, बेटा होता क्या है ना, पहली बात तो कोई भी दो फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है,
जब बहुत लार्ज गैप हो जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं, इनके बीच की यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो जाती है, मतलब बराबर दूरी हो जाती है और सारी एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। मतलब बहुत बड़े एरिया की बात हो रही, छोटे एरिया की बात नहीं हो रही। छोटे एरिया में कर्वेचर दिखेगा, बड़े एरिया में ये नहीं दिखेगा। बड़े एरिया में आपका दिखेगा पैरेलल दिखेंगे, तो वही बहुत दूर रखा हुआ मैग्नेट है जिसकी वजह से ये बी यूनिफॉर्म आ रही है। सोचो ऐसा कुछ होगा, यहाँ से मीट हो रही है, अब यहाँ से जब निकल रही है तो यहाँ पहुंची, फिर अब इतने एरिया में देखोगे तो फील्ड लाइन आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी पैरेलल? दिखेगी। ये बीच वाले पोर्शन की बात हो रही है, ठीक, वही रीजन आपका ये है। तो इधर कहीं साउथ भी रहा होगा, है ना, तभी तो जाएगी ना ये फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ऐसे होता है, ठीक है। ये चीजें इसलिए इमेजिन करना जरूरी है क्योंकि जब अर्थ मैग्नेट्स पढ़ेंगे तो उसमें तुम्हें ये समझ में आएगा कि कैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें इंटरसेक्ट करता है। तो वहां पर देखो, ध्यान देखोगे तो अर्थ इतना बड़ा है और उसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ है। सोचो कुछ ऐसे रीजन होते होंगे जहां पर ये फील्ड इस प्रकार से पैरेलल हो जाती होगी, ठीक है, तो वहां ये चीज आपके काम आएगी कंसेप्ट, ठीक। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा फील्ड लाइन, इतनी ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, नॉर्थ में जा रही है, चलो बाद में नॉर्थ से इंटर करती है, साउथ से एमिट होती है, ये अपन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, ये जानकारी होती नहीं जल्दी। चलिए तो अब वही बात हो गई कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनता था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से भी एंगल बनेगा और मैग्नेटिक मूवमेंट तो होगा ही होगा। तो साउथ टू नॉर्थ उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ वैसे ही साउथ से। और इसका एक और बहुत छोटा सा रीजन है, देखो तुम्हें ऑलरेडी सब पता है कि तुम लोगों को भाई है ना अनजाने में सब पता है, देखो कैसे तुम्हें पता है। अभी मैंने जो बात बताई है ना, एक ही बात जो मैं बता दे रहा हूँ ये हर जगह लगाऊंगा, मैं यूज करूंगा, ठीक है, ये इस बात को ऐसे रट जाओ, घोट जाओ, जो करना करो, देखो हर जगह काम आएगी। लोग रटवा देते हैं कि साउथ से नॉर्थ होती, बेटा रट जाओ, बताते नहीं है क्यों। अरे बड़े भाई, ये अगर तेरा साउथ है, ये तेरा नॉर्थ है, फील्ड यहां से निकल रही है, ठीक, इंटर कर रही है, और मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ जाती है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप में फ्लो होती है। तो अब लोग इसको आई डोंट नो क्यों, उनको जानकारी होगी, इंटेलिजेंट टीचर से, लेकिन मैंने कहीं सुना नहीं ऐसे कहते हुए कि एक्चुअल में रीजन तो यही है ना असली, डाइपोल मोमेंट मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी तो वही होगा, ठीक है कि नहीं। तो याद करने की क्या जरूरत है, याद करने की जरूरत है क्या, बस ये रीजन, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो एंगल बन रहा है विद द बी दैट इज थीटा, वो कितना बन रहा है, थीटा, ये हो गया तेरा मैग्नेटिक मोमेंट, ये हो गई तेरी फील्ड लाइन, ठीक, और ये हो गया तेरा थीटा, और इसका मैंने बोल दिया पोल स्ट्रेंस, ये हो जाएगा प्लस एम, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ठीक, क्लियर है कि नहीं है, लिखते जाओ फटाफट, डायग्राम बनाना जो बना रहे हैं हम, ठीक, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा भाई बताओ, टॉर्क के कारण ही तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर आपको छोटा सा डेरिवेशन याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, तो एक सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लोगे। तो क्या करते थे अपन वहां पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, तो यहाँ पर क्या करते थे, कंपोनेंट डिसॉल्व करते थे, तो समझ में आता था सर ये एल थीटा बना रहा है, तो इसका एल साइन थीटा क्या आएगा, ये लाइन, तो ये हो जाएगी आपकी, अगर यहाँ पर इसको आई करने दिया जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, अच्छा ये बच्चों को नहीं आ रहा होगा, देखो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनके लिए, ये है तेरा डायरेक्शन ऑफ एल, ठीक है बेटा, तो हो गया एल वेक्टर, ये कितना आ रहा है थीटा, ठीक है, एल कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं बिकॉज ये तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, देखो फोर्स यहां लग रहा था और एक फोर्स यहां, देखो ये पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो ये डिस्टेंस नहीं ले सकते, तो कौन से ले सकते हैं सर, एल साइन थीटा, किसी एक फोर्स से लेंगे तो सर यही तो डिस्टेंस आई, एक्सटेंड कर दो। तो हम लोग इसको हमेशा हमेशा से पढ़ा कैसे है, गलत नहीं पढ़ा कहीं भी तुमने, होता क्या है कि एक पोल से पकड़ के चलते हैं, एक चार से पकड़ चलते हैं, जिससे कि वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें दिखने लगे। तो अपन इसके एक पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पैरेलल बनाओगे तो कहाँ बनेगा, यही तो बनेगा,
और ये फोर्स हमारा यहाँ है, ये हो गया ना 90 डिग्री पर। यस सर। तो फोर्स की डायरेक्शन से अगर तुमने कभी भी अच्छे से पढ़ाया होगा किसी टीचर ने, तो ये सब 9 10th वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर किसी ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया, ताकि आपको नॉन यूनिफॉर्म के लिए बताओ, यूनिफॉर्म तो सब जानते हैं भाई, कोई सर्कुलर होगा तो उसको ढकेलेंगे तो जाएगा ही, तो ये नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि एक जगह पाइवट कर देते हैं, ठीक है। पाइवट करने होता है कि आपने फिक्स कर दिया, अब आपने इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा दिया, तो पता है आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर से निकालते हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन। तो हमेशा याद रखना, जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए फोर्स से। दैट इज व्हाई मैं ये लाइन क्यों मिला रहा हूँ, ताकि मुझे दिखे कि ये परपेंडिकुलर है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, एल साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक समझ सकते हो। तो ये हो गया तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो कितना आसान हो गया। तो टॉर्क ऐसे निकलता है, तो ये आ जाएगा तेरा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स। कितना होता है फोर्स, तो पता होगा ना, एम इन टू बी एम बी, और ये कितना आ गया, एल साइन थीटा। अब अगेन एक प्रॉब्लम आ गई सर। सर टॉर्क इसे वेक्टर क्वांटिटी, आपने स्केलर में लिख दिया। मैंने स्केलर नहीं लिखा भाई, वेक्टर ही लिखा, तुम देख नहीं पा रहे हो कैसे। हाँ तो मैं क्या करूंगा बताओ, b इज ए वेक्टर क्वांटिटी, l इज आल्सो ए वेक्टर, तो अपन b क्रॉस l लिख सकते हैं। तो लिख डालो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो। और भी बहुत तरीके हैं करने के, वेक्टर बनाने का एक और तरीका आ रहा है मुझे। कौन सा तरीका है भाई, पोल स्ट्रेंथ इनटू l क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो बस उससे कर लो ना, मतलब कई तरीके, वो जो मैंने बोला वो भी परफेक्ट है, और जो मैं आप करने जा रहा हूँ वो भी परफेक्ट है, ठीक है। जाएगा एम बी और फिर एम क्रॉस बी, वो भी सही है। लिख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिख लीजिए यहीं से। तो क्या जाएगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। बेटा तुम्हारे पास किताब होगी ना, ये ले गए होगे मैग्नेटिक वाली, उसको एक बार पढ़ना। क्या हुआ, अच्छा आपका समय हो गया, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। तो तुम्हें नहीं आया होगा, ये आ गया, वैसे आता होगा ए क्रॉस बी वेक्टर, कैसे किया अपन ने। अच्छा बेटा ये बताओ, चल मुझे प्रियांश ये बता, क्या ए क्रॉस बी वेक्टर, मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, एंगल डायरेक्शन बता कहां से कहां बनेगी। हाँ यहाँ बनेगा, चल यहाँ बना दिया थीटा। डायरेक्शन क्या होगा, किधर शुरू किया तुमने, एंगल नीचे से, गलत हो गया, यही तो बेसिक कंसेप्ट है। अपन चल कहां से रहे वो ये डिसाइड करता है, बेस वेक्टर ये है, क्योंकि अगर तुमने ये किया समझ लेना डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर गलत आएगा तुम्हारा, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक। एंड ऑल्सो क्या ये बताओ मुझे, क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, हाँ क्यों, रीजन बताओ। नहीं निकलेगा, निकलेगा कैसे, नहीं निकलेगा यार, कैसी बात कर रहा है, स्क्रू अभी निकालते हैं, देखो तुम्हारे सामने, बस ये इक्वल नहीं आएगा, वो बात अलग है। फिर वही बात, क्योंकि तुम्हें एंगल वाली बात नहीं पता है, इसीलिए तुम्हें ये बात नहीं पता है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तुम बात एकदम सही कह रहे हो, तुम्हारा आंसर परफेक्ट है, बट तुमने जो बाद में बोला वो गलत है। समझ में आया, रिजल्टेंट तो निकलेगा लेकिन सर दोनों अपोजिट आएंगे, इसीलिए दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा, आंसर सेम आएगा मैग्नीट्यूड में, बट रिजल्टेंट जो आएगा सर, डायरेक्शन उसकी अलग अलग आएगी, मतलब जो मैग्नीट्यूड इसका वही मैग्नीट्यूड इसका। हम इसको चेंज करके लिख दें, अब कोई मुझे कह नहीं सकता कि ये गलत है, कोई भी नहीं कह सकता, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो वो कभी ये गलती करेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसके मॉडल मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स। तो वेक्टर की वीडियो भी देख लेना मुझसे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, टॉर्क हो गया, आगे लिखो, अभी तो बहुत केसेस है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, एम बी साइन, अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो एम बी साइन, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिख लो इन वेक्टर फॉर्म, ऐसे लिख लिया करो यार, है ना, इन वेक्टर फॉर्म। अगर इसको वेक्टर में लिखना तो क्या करेंगे, एक एन यूनिट वेक्टर लगाएंगे, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, डायरेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो
मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कब होगा? ये तुम्हें मैंने दे दिया फॉर्मूला, 90 पे मैक्सिमम होगा, 180 में और 0 पे मिनिमम होगा। 0 दो पे मिनिमम नहीं हो सकता, एक ही मिनिमम, तो 180 पे मिनिमम होगा कि 0 पे होगा, डिसाइड कर लो पहले। 180 माइनस वैल्यू 0 से भी छोटी मानी जाती है, और साइन 180 माइनस 1 होता है कि 0 होता है? माइनस होता है, माइनस जीरो होता है। अरे यार तुलना को कंफ्यूज करना कितना आसान है, उसमें भी जीरो होता है, और जीरो माइनस जीरो जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप कहेंगे सर जीरो एक ऐसी चीज है जिसका कोई नेचर डिफाइन नहीं कर सकता, वो न्यूट्रल माना जाता है। तो आप जीरो पर है या 180 पर है सर, आपकी मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जब रोटेशन की बात हो रही है तो हम लोग हमेशा एक थीटा से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अपन कहाँ पहुंचेंगे? जीरो पे तो कभी पहुंचेंगे नहीं, तो हम 90 पहुंचेंगे, और 90 के बाद सीधे 180 पे पहुंचेंगे। तो 180 को मिनिमम माना जाएगा सर, और 90 को मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? तो लिख लो फटाफट, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन ऑफ टॉर्क लिख लो। कहाँ लिख दीजिएगा, नहीं ऊपर लिख रहे हैं, इसको मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है? यहां से एक एरो बना दें, फिर टॉर्क मैक्स जब थीटा कितना है 90, मिनिमम जब थीटा कितना है 180, और कितनी वैल्यू आएगी उसकी? जीरो। यहां कितनी आएगी? MB। चल वेरी गुड, रोटेशन क्लॉकवाइज लिया है हमने। अब बात करते हैं कॉइल की, इन केस ऑफ कॉइल क्या होगा? 10-15 मिनट एक्सटेंड कर दें क्लास के, 7-10 कर अपन सीधे कंटिन्यू कर लेंगे 7-10, क्योंकि 10 मिनट दोगे थोड़ा कॉइल गैरोमीटर के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाएगी, नहीं तो आज तो बहुत छोटी क्लास हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जितना आप अलाउ करेंगे उतना पढ़ेंगे, ऐसा आपको लगने देते हैं, ठीक है? यहाँ पर एक चीज सुनो, अभी जो सीख के पीछे से आ रहे हो टॉर्क कैसे निकाल रहे थे अपन? मैग्नेटिक मोमेंट पकड़ रहे थे, और टॉर्क को कौन सा याद कर? एम बी। एम क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। बी क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब ये हेडिंग पढ़, क्या कह रहे हैं? कॉयल और लूप, यानी कि अब कोई मैग्नेट नहीं है भाई, और मैग्नेट कितना बिहेव करने वाला, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जिसको क्या कहते हैं? सोलेनोइड भी कहते हैं, या फिर सोलेनोइड का मैंने कहा नंबर 1 कर दूंगा तो लूप बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप ऐसे रिंग टाइप है ना ये, ठीक? ये भी तो मैग्नेट वर्क करेगा, एक तरफ नॉर्थ जाएगा एक तरफ साउथ, ये भी तो मैग्नेट है ना, तो जितने लोग प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो सब मैग्नेट रिप्लेट किए जाएंगे, तो इसका भी टॉर्क होगा। तो अपन क्या किया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन इस बार क्या कर दिया, एक सर्कुलर रिंग को प्लेस कर दिया जिसके अंदर कितना करंट फ्लो था, आई, तो ये भी घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, तो ये कैसे घूमेगा भाई? अब ध्यान से सर इसको जानना है तो मैग्नेटिक मोमेंट जानना पड़ेगा, तो अपन पहले से पढ़ चुके राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे घुमा देख करंट डायरेक्शन, तो क्या आ गया थंब ऊपर, ऊपर आ रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, यानी कि तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया, और वो किधर से होगा? सेंटर से पास होगा, ठीक है? तो ये हो गया, अब इतना ही करना है, इसके बाद तो इस कॉइल को मिटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैग्नेट आर्टिफिशियल वो किधर आ रहा होगा इमेजिनरी, तो इसी लाइन पर तो आएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे कोई ये तो नहीं कंफ्यूजन में है कि वायर को मैग्नेट से रिप्लेस करेंगे? नहीं बाबा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर होता है, तो जब परपेंडिकुलर होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाएगी वही तो आप मैग्नेटिक इमेजिन करोगे, और वो कहां? इसी मैग्नेटिक मोमेंट वाली लाइन पर पाया जाएगा, ठीक है? तो इसका अर्थात ये हो गया कि मैग्नेटिक मोमेंट का जो आपका एंगल बनेगा किसके साथ? बी के साथ, उसको क्या कहेंगे? थीटा। और यहीं से निकलेगा आपका जो आपका टॉर्क जनरेट होगा वो एम क्रॉस बी होता है, जिसकी वजह से ये क्या करेगी कॉइल कुछ इस प्रकार से रोटेट करेगी, ठीक है? समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक? सेंटर इसका क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक? तो लिख लीजिए, तो टॉर्क का फॉर्मूला फिर से वही लिखेंगे, एम क्रॉस बी, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत?
अब मैंने कहा यार मुझे एम नहीं पसंद आ रहा है, मुझे कुछ और चाहिए, तो क्या करेंगे? एम को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? आईएनए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये जगह एन आई स्केलर होता है, बचा क्या? ए क्रॉस ए, क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, वेक्टर ऑफ कॉइल। ठीक है बेटा, लिख लीजिए, ये भी फॉर्मूला सही है, ये सारे वेक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। किसी को स्केलर लिखना तो क्या लिखोगे? स्केलर क्या लिखेंगे बताओ? महक एन आई ए बी साइन थीटा, ये हो गया तेरा स्केलर फॉर्मूला। फिर अगर एम के फॉर्म में लिखना है तो एन एम बी साइन, ठीक है, ये स्केलर है, लिख देता हूँ स्केलर वैल्यू। ठीक है, स्केलर मतलब बेटा वैल्यू निकालनी है जब तक, ठीक है, तो वो उससे कर सकते हैं। ठीक, अब मिनिमम मैक्सिमम बताओ, मिनिमम कब होगा? वही कंडीशन सर, है ना, तो यहां से अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम जब थीटा कितना है 90 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? एन आई बी ए, सही है ना? यस सर। कि एन आई ए बी लिखूं सर? एन आई ए बी बी ए, प्रॉब्लम हो जाएगी ऑर्डर, फिर से वही दिक्कत आएगी, रिजल्टेंट गलत आएगा। ठीक है ना, ये भी ज्यादा अच्छा है यार, ये पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कैसी बात कर रही है। तो जाएगा मिनिमम कब होगा जब थीटा 180 जीरो या फिर 180, अब मैं 180 लिखूंगा क्योंकि अभी तो ज्ञान दिया था, आ जाएगा जीरो। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के, क्योंकि वो पूरा टॉर्क के ऊपर ही काम करता है, जो बढ़ रहे हो ना यही कंडीशन यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें पता है क्या होता है? कॉइल लगी होती है जो कि मूव करती है जिससे कि रीडिंग आती है। अब सुन ध्यान से, जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा किस लिए यूज होता है? स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। एक्चुअल में इसका एप्लीकेशन कहाँ है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन अपन इसको बनाते कैसे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लॉस से। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ये कॉइल के ऊपर टॉर्क लग रहा है वैसे ही आपके जो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल लगी होती है जो कि मूव कर सकती है अपनी जगह पे, इसको उसके एक्सिस पे फिक्स कर देते हैं, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, एक नीडल लगा देते हैं जो कि रीडिंग अपनी जो होती है मीटर के ऊपर आगे पीछे होता है। तो जैसे ही करंट फ्लो कराओगे वैसे ही यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि वहां से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस उसके अंदर होती है, तो उसके वजह से क्या टॉर्क जनरेट होता है। अच्छा ध्यान से देखो, फॉर्मूले को देखो ध्यान से, टॉर्क की जो वैल्यू है वो करंट के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? क्योंकि एरिया ऑफ कॉइल तो फिक्स हो गया, एक बार बना दिया तो उसका एरिया बदल नहीं सकते, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ वेरिंग करंट है जो कि टॉर्क को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब है जब रीडिंग आएगी अलग, उसका कारण क्या है? अलग अलग डिफ्लेक्शन आ रहा है, जब करंट चेंज हो रहा है, जब कम है तो कम डिफ्लेक्शन, ज्यादा है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, तो रीडिंग जो है वो काफी प्रिसाइज होती है। ठीक, अब इसकी लिमिटेशन सुन लो, लिमिटेशन क्या होती है, यही है, देखो ये दिख रहा है नहीं, लिमिटेशन ही बताने जा रहा था। देखो यहाँ क्या, एक परमानेंट मैग्नेट का सेटअप लगा हुआ है, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये नॉर्थ और साउथ पोल जो लगा हुआ है उसके बीच में क्या है, कॉइल है। देखो ध्यान से, इसका अलाइनमेंट सेम टू सेम है, यहाँ ऐसे रखा हुआ है वहां पर इस तरीके से, है ना, और इसके एक्सिस से किसको जोड़ा, निडल को, ताकि जब ये घूमे तो आपका यहाँ रीडिंग भी आएगी। ठीक, तो आप ध्यान से देखो, अगर ये दिखेगा तो, नहीं दिखेगा तो दूसरा बनाएंगे, यहाँ पर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, करंट जब फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, सही थीटा बनाया मैंने नहीं? अच्छा सही क्या होगा, तुमने बहुत सही बात बोली, गलत बनाया मैंने, क्योंकि इतना ज्ञान दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट से एंगल बनता है ना, और मैंने किससे एंगल बना दिया, अरे मैंने कॉइल से एंगल बना दिया कदो, देखो ना ये कॉइल बनी हुई है, दिख नहीं रही है क्या तुम्हें? अरे बाबा अभी तो सिखाया इतना सब कुछ, तो अपने को सबसे पहले कोई डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम करना पड़ेगा, सबसे पहला तुम्हारा ये होना चाहिए सर मैग्नेटिक मोमेंट तो तब मिलेगा जब करंट मिलेगा, तो मैंने कहा भाई करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इसका फेस कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक, तो ये देखो कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड फील्ड, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, नीचे नीचे, आप देख एंगल कहाँ बन रहा है, नीचे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर पीछे की साइड से बनाएंगे तो ये पीछे मिलेगा, अरे दो साइड होता है ना फील्ड का, तो तब भी आप बनाओगे तब भी आपको रिजल्टेंट इस तरीके से,
समझ में आ रहा है कैसे? छोटी छोटी गलती करोगे तो सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इस निडल को जैसे जैसे क्वाइल घूमेगी वैसे वैसे निडल घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग समझ में आया, ठीक है? कैसे जो आपका करंट फ्लो करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जिस जो कि टॉर्क के फॉर्म में यहाँ पर टॉर्क के फॉर्म में एक्ट करेगा क्वाइल के ऊपर, क्योंकि एक कपल फोर्स बनेगा, एक एंड ऑफ द क्वाइल पर एक फोर्स लगेगा और एक दूसरे एंड पे लगेगा और दोनों के क्वायर हाँ हाँ बस छोड़ रहे, ठीक है? तो इसके कारण क्या करेगा, ये ऐसे घूमने लगेगा, जब ये घूमेगा तो निडल साथ साथ में घूमेगा जिससे कि हमें रीडिंग मिल जाएगी। और टॉर्क इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी बात याद कर लो, कुछ नहीं याद हुआ अभी तक, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, ठीक है? तो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। यहां लिख रहा हूं इफ बी क्या है, ठीक है, अगर बी कॉन्स्टेंट है तब, ठीक है? चलिए आगे की बात अगली क्लास में। एक और बात सुन लो यार, एक मिनट बैठो। अच्छा, अगर सिर्फ ये क्वाइल ही घूमेगी तो ये वापस अपनी जीरो पे कैसे आएगी रीडिंग? ये बात तो एक कॉमन सेंस वाला है ना, हाँ इसको पता था, स्प्रिंग लगी होती है। तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है? वो स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग भी सीखा हुआ है, कहाँ सीखा था भाई, सिंपल आर्म मोशन जब करता है एक्सपैंड होगा तो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, तो इसको अपन एक स्प्रिंग से कनेक्टेड रखते हैं और वो जब ये आगे की तरफ घूमता है जब तक करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ही रिलीज करेंगे करंट जीरो करेंगे वैसे ही स्प्रिंग वापस इसको खींच के जीरो पे ले आएगी, नहीं तो होगा क्या, जहां तक करंट तक पहुंचा था वहीं पर वो रुक जाएगा और फिर बार बार कैसे सही करोगे, फिर उसको खोल के फिर वापस जीरो पे लाओगे, नहीं, तो एक स्प्रिंग लगी होती है उसी से आता है रीस्टोरिंग टॉर्क। अपन अगर रीस्टोरिंग टॉर्क बोले तो डरने की जरूरत नहीं है, रीस्टोरिंग टॉर्क के लिए क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग के अंदर, वही उसको वापस से ले आता है ना। चलिए ठीक है, अब आप जा सकते हैं। एमीटर या वोल्टमीटर में जब हम जॉकी को ऐसे टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन शो करता है और जॉकी हटा के जीरो पे आ जाते हैं, वही रीजन है, सेम रीजन। अरे भाई गैल्वेनोमीटर को ही तो कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, ठीक है, थैंक यू।